हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल और इन्फो हिंदी में। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज माना जाता है। पूरी दुनिया के बॉलर उन्हें आउट करना आसान नहीं मानते हैं, लेकिन हाल ही के महीने में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कोहली एक खास तरह के बॉलर्स के खिलाफ काफी मुश्किल में दिख रहे हैं। एडमिंटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले वनडे में कोहली ने अपनी 98वीं हाफ सेंचुरी जड़ी। 22वें ओवर की दूसरी बॉल पर सिंगल लेकर 61वें बॉल पर अपना 121वां 50 प्लस स्कोर बनाया। अगला ओवर लेकर आए लेग स्पिनर ईश सोढ़ी। इस मैच में यह सोढ़ी का पहला ओवर था। इस ओवर की पहली ही तीन बॉल पर श्रेयस अय्यर ने 3 रन लिए और कोहली के साथ अपनी 100 रन की पार्टनरशिप पूरी की। ओवर की चौथी बॉल पर सोढ़ी के सामने थी। इस मैच में कोहली पहली बार सोढ़ी का सामना कर रहे थे। सोढ़ी ने घुगनी फेंकी, यह बॉल ऑफ स्टंप के करीब पकड़कर अंदर की ओर आई। कोहली को लगा कि यह लेग ब्रेक होगी, वैसे खेलने के लिए आगे की ओर आए। कोहली बॉल की पिच तक नहीं पहुंच पाए और बॉल बैट और पैड के बीच से होते हुए सीधे जाकर स्टंप से टकरा गई। आउट होने के बाद कोहली चकित थे, उन्हें मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसे भी आउट हो गए। हाल ही के दिनों में कोहली की बैटिंग देखने वाले समझ चुके थे। दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज स्पिन खेलने वालों में अलग रूपा रखने वाले कोहली हाल ही के दिनों में लेग स्पिन से काफी परेशान हुए हैं। पिछले ही महीने ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर एडम जेम्पा ने वनडे सीरीज में उन्हें खूब छकाया था। 3 मैचों की सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज चुने गए कोहली 2 बार जेम्पा की बॉल पर आउट हुए थे। एक बार जेम्पा ने उन्हें कॉट एंड बोल्ड किया था, जबकि दूसरी बार स्कॉट एंड एगर ने मिलकर उन्हें लॉग ऑफ पर लपका था। साथ ही जेम्पा कोहली के खिलाफ सबसे सफल बॉलर बन गए थे। अब वनडे में जेम्पा कोहली को 7 बार आउट कर चुके हैं। इसके बाद जेम्पा ने कहा था, विराट कोहली के वनडे करियर को देखे तो वे कुल 185 बार आउट हुए हैं। इनमें से 17 बार उन्हें लेग स्पिनर्स ने आउट किया। साथ ही वनडे में कोहली पिछले 4 से 3 बार लेग स्पिनर की बॉल पर आउट हुए हैं। 2018 में कोहली अपने इंटरनेशनल करियर में पहली बार स्टंप हुए। बॉलर थे इंग्लैंड के आदिल रशीद। कोहली को साल 2018 के पूरे इंग्लैंड टूर में रशीद के खिलाफ परेशानी हुई थी। इसके बाद उन्हें 2019 इंडियन प्रीमियर लीग IPL में राजस्थान रॉयल के युवा स्पिनर श्रेयस गोपाल ने भी काफी परेशान किया था। साल 2018 से अब तक IPL में कोहली को 10 से ज्यादा बार स्पिनर्स ने आउट किया है। इस दौरान IPL में स्पिनर्स के खिलाफ कोहली ने खराब रिकॉर्ड किसी भी दूसरे बल्लेबाज का नहीं है। इस दौरान IPL में स्पिनर्स के खिलाफ कोहली से खराब रिकॉर्ड किसी भी दूसरे बल्लेबाज का नहीं है। कोहली के रिकॉर्ड और हालिया प्रदर्शन को देखते हुए लग रहा है कि लेग स्पिनर्स के खिलाफ उनकी कमजोरी बाकी टीमों को पता चल गई है। सभी इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। जैसे विराट के स्टेटस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वह ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं होने देंगे। खैर, जब तक कोहली अपनी इस कमी से पार नहीं पा लेते, तब तक हम कम से कम सारे लेग स्पिनर खुद को लकी फील कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की जानकारी अब तक पहुँचती रहे।